बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस के लिए अगर आप डेटा एक्सट्रैक्शन या डेटा कलेक्शन करना चाहते हैं तो lens.org इज द बेस्ट चॉइस बिकॉज इट इज ए ओपन एक्सेस स्कॉलरली सर्च प्लेटफॉर्म दैट प्रोवाइड्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ स्कॉलरली पब्लिकेशन एंड पेटेंट्स डेटा एंड दिस डेटा कैन बी यूटिलाइज्ड टू असिस्ट डिफरेंट बिब्लियोमेट्रिक एंड पॉइंट्स ऑन योर टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक सर्च क्वेरी को यूज करके lens.org से अपने डेटा को सर्च कर सकते हैं, कैसे आप lens.org की डेटा फिल्ट्रेशन एंड एनालिटिक्स फंक्शनैलिटी को यूज कर सकते हैं, कैसे आप डेटा एक्सट्रैक्शन करके उसके ऊपर डेटा क्लीनिंग का वर्क कर सकते हैं। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमें अपने टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट के लिए एक सर्च क्वेरी की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए आप हमारी वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, बिल्डिंग अ इफेक्टिव सर्च क्वेरीज टू फाइंड आउट व्हाट यू नीड। तो मैं उसी सेम क्वेरी को यूज करने वाला हूं आज lens.org में अपने डेटा को सर्च करने के लिए। तो ये lens.org का लैंडिंग पेज है, इस पेज से हम डेटा को यहाँ से अपनी सर्च क्वेरी को हिट करके हम रिलेवेंट रिजल्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। बट मैं इस पेज में सर्च फंक्शनैलिटी को यूज नहीं करूंगा, मैं इसकी सर्चिंग एंड डेटा फिल्ट्रेशन पेज पे यहाँ से आप यहाँ से देख सकते हैं सर्च बटन को, जैसे मैं ड्रॉप डाउन को यूज करूंगा तो यहाँ न्यू स्कॉलर सर्च का ऑप्शन अवेलेबल है, मैं इसे क्लिक करूंगा और यहाँ आके नीचे मैं अपनी सर्च क्वेरी को यहाँ एंटर कर देता हूँ। मैं जैसे ही अपनी सर्च क्वेरी को एंटर करूंगा तो उसके बाद मैं यहाँ से मुझे फील्ड सेलेक्ट करना होगा कि किस फील्ड के अंदर मैं अपनी सर्च क्वेरी को हिट करना चाहता हूँ। तो यहाँ डिफरेंट डेटा फील्ड्स अवेलेबल है, आप किसी भी फील्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप डिफरेंट फील्ड को भी एंड और बुलियन ऑपरेटर्स की हेल्प से एक्युमुलेट कर सकते हैं और उस क्वेरी को हिट कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ टाइटल एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड और फील्ड ऑफ स्टडी के अंदर ही सर्च करना चाहता हूँ, बिकॉज जितने वर्ड मैंने अपनी सर्च क्वेरी के अंदर यूज किया है वे वर्ड इन चार फील्ड्स के अंदर अवेलेबल होने चाहिए। क्योंकि अगर मेरी सर्च क्वेरी के कीवर्ड्स इन चारों फील्ड के अंदर अवेलेबल होते हैं तभी मैं उसे एक रिलेवेंट आर्टिकल कंसिडर करूंगा। अगर मैं किसी सर्टेन डेटा फिल्ट्रेशन को यूज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ सर्च के बटन को प्रेस करने से पहले यहाँ इन डेटा फिल्टर्स को यूज कर सकता हूँ। यहाँ आप डेट रेंज कर सकते हैं कि आप किस ईयर से किस ईयर तक पब्लिकेशन के डेटा को फाइंड आउट करना चाहते हैं, ऑथर्स के भी आप ऑर्किड आईडी को यूज कर सकते हैं, फ्लैग्स आप यूज कर सकते हैं जैसे ओपन एक्सेस वगैरह, आप यहाँ आइडेंटिफायर के टाइप को भी यूज कर सकते हैं। लेंस डिफरेंट रिपोजिटरी से डेटा को एक्सट्रैक्ट करता है जैसे माइक्रोसॉफ्ट एकेडमी, DOI, ओपन एलएक्स, पबमेड कोर, पबमेड सेंटर। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिपोजिटरी के अंदर से ही सिर्फ डेटा को देखना चाहते हैं तो आप उसे भी यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। पब्लिकेशन टाइप में आप जाके यहाँ से आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार यहाँ से जनरल आर्टिकल्स वगैरह को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ डायरेक्ट इसे सर्च करूंगा क्योंकि मुझे इसके बाद फर्दर डेटा फिल्ट्रेशन करना है, तो मैं उसे अपनी सर्चिंग के कंप्लीट डेटा के ऊपर ही अप्लाई करने वाला हूँ। सर्च किया तो मेरी क्वेरी हिट हुई, आप ये क्वेरी देख सकते हैं। आप इस क्वेरी के अंदर अगर कुछ भी एडिशन या डिलीशन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से एडिट सर्च को प्रेस करके इस क्वेरी के अंदर अलग अलग फील्ड्स के अंदर जाके आप कोई भी कीवर्ड को ऐड या डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद इसे सबमिट सर्च को प्रेस करेंगे तो आपकी वो जो रिवाइज क्वेरी है वो हिट हो जाएगी। तो यहाँ आपके पास डेटा सेट अवेलेबल हो गया, 4216 आर्टिकल्स इस क्वेरी के अनुसार हमें यहाँ प्राप्त हो गए। अब हम इस पे सर्टेन डेटा फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में ये डेटा फिल्टर्स अवेलेबल है तो यहाँ आप डेटा फिल्टर्स को यूज कर सकते हैं। मैं डेट रेंज को यूज कर लेता हूँ, पब्लिश्ड ईयर सिलेक्टेड है तो मैं ईयर के अकॉर्डिंग 2010 से लेके 2023 तक के आर्टिकल्स को मैं यहाँ सर्च कर लेता हूँ। रिफाइन को प्रेस किया तो अभी मेरे पास जो सर्च रिजल्ट्स हैं वे है 3516। इसके बाद मैं यहाँ पब्लिकेशन टाइप पे आऊंगा, यहाँ मैं सिर्फ जर्नल आर्टिकल्स को ही सर्च करना चाहता हूँ तो मैंने सेलेक्ट करूंगा। रिफाइन के बटन को प्रेस किया तो मेरे पास 2958 आर्टिकल्स आ गए। ये आर्टिकल्स मुझे यहाँ लिस्ट की फॉर्म में अवेलेबल है, आप इसे नीचे नेविगेट कर सकते हैं और रिजल्ट्स को यहाँ जाके अगर आप 100 रिजल्ट्स को एक साथ देखना चाहते हैं तो इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसे टेबल व्यू में अगर देखना चाहते हैं तो टेबल व्यू में यहाँ से आप इसे सेलेक्ट करके टेबल व्यू में देख सकते हैं। अगर डेटा की एक्सपेंशन की बात करें तो आप कुछ एलिमेंट्स को एक्सपेंड कर सकते हैं, आप यहाँ से कस्टम लिस्ट को प्रेस करके डिफरेंट अलग अलग जो लिस्टिंग हुए एलिमेंट्स हैं उन्हें आप शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं कि इस लिस्ट के अंदर किन एलिमेंट्स को आप व्यू करना चाहते हैं। इसके अलावा आप ये अपने सर्च क्वेरी को सेव भी कर सकते हैं और इसे शेयर भी कर सकते हैं। इसके बाद lens.org का हम एनालिसिस फंक्शनैलिटी को भी देख लेते हैं। एनालिसिस पे आप जाएंगे तो इस डेटा सेट से जितनी भी एनालिटिक्स जनरेट हो सकते हैं उनमें से कुछ एनालिटिक्स को lens.org ने यहाँ जनरेट किया है, जैसे टॉप इंस्टीट्यूशन बाय नेम बाय डॉक्यूमेंट काउंट, मींस कि किस इंस्टीट्यूशन से सबसे ज्यादा आर्टिकल पब्लिश हुए हैं उनके बेसिस पे यहाँ इन्हें रैंक किया गया है। आप यहाँ से इसे विजुअलाइजेशन को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे बार चार्ट में देखना चाहता हूँ तो मैंने बार चार्ट क्लिक किया। बार चार्ट क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि ये सारी यूनिवर्सिटीज मेरे पास रैंक होकर आ गई है कि टॉप टू बॉटम, मेरे पास हाईएस्ट नंबर टू लोवेस्ट नंबर यहाँ आ गए। इसके अलावा मैं यहाँ से ईयर बाय ईयर ट्रेंड देख सकता हूँ कि हर एक साल कितने आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, सबसे ज्यादा आर्टिकल किस ईयर में पब्लिश किए गए। ये टॉप फील्ड ऑफ द स्टडी है, मीन्स की वर्ड क्लाउड, कि किन वर्ड्स के ऊपर सबसे ज्यादा सर्चिंग की गई है ये आप इस साइड में देख सकते हैं। फील्ड ऑफ द
स्टडी कवर्ड बाय द मोस्ट एक्टिव इंस्टीट्यूशंस, कि किन इंस्टीट्यूशंस ने किन टॉपिक्स पे सबसे ज्यादा कार्य किया है, सबसे ज्यादा पब्लिकेशन वर्क हुआ है। ये आप सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट ऑथर्स देख सकते हैं, किन ऑथर्स ने सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पर। यहाँ से आप स्कॉलरली वर्क स्कैटर्ड प्लॉट देख सकते हैं। ये हिट मैप है कि किस कंट्री से कितना पब्लिकेशन वर्क किया गया है। यहाँ आप टॉप पब्लिशर्स देख सकते हैं, किस पब्लिशर ने कितना पब्लिकेशन वर्क किया है इस विषय पर। और यहाँ टॉप जर्नल्स बाय द पब्लिशर, किस जर्नल में सबसे ज्यादा आर्टिकल पब्लिश हुए हैं और किस पब्लिशर के अंडर में वे जर्नल आते हैं। आप अगर रिपोर्ट प्रिपरेशन का वर्क कर रहे हैं तो इस डेटा इनसाइट्स को आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रिसर्च आर्टिकल पे काम कर रहे हैं तो इस डेटा इनसाइट्स को आप यूज मत करिए, क्योंकि जो डेटा इनसाइट अभी जनरेट होकर हमारे पास विजुलाइज हो रहा है इसके अंदर डेटा डिस्पैरिटीज है, जिसकी वजह से हमें जो डेटा इनसाइट्स हमें प्राप्त होगी वह 100% एक्यूरेट नहीं होगी, तो आप इसे रिसर्च आर्टिकल में यूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको इंस्टेंटली कुछ डेटा एनालिटिक्स चाहिए फॉर द रिपोर्ट प्रिपरेशन, देन यू कैन यूज दीज डेटा एनालिटिक्स। तो इसके बाद हम लिस्ट पे वापस आते हैं और यहाँ से हम अपना डेटा एक्सट्रैक्शन वर्क करते हैं। यहाँ से एक्सपोर्ट के बटन को प्रेस करेंगे। अगर आपने लॉगिन नहीं किया है तो 1000 का डेटा ही सिर्फ आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं सीएसवी या किसी भी दूसरे आरईएस, बिबटेक्स या जेसन फाइल के फॉर्मेट में। और ये यहाँ एक्सपोर्ट फील्ड्स की आपको एंट्री आप पूरी देख सकते हैं कि क्या क्या हम एक्सपोर्ट करने वाले हैं। लॉगिन करने के बाद आप 10,000 या मैक्सिमम 50,000 का डेटा सेट भी यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मैं लॉगिन करने के बाद अपना डेटा यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ये हमारे पास लेंस से एक्सट्रैक्टेड डेटा सेट है, lensexport.csv। इस फाइल के अंदर हम डेटा रिफाइनमेंट का वर्क करेंगे, डेटा क्लीनिंग हम इसके अंदर करने वाले हैं, क्योंकि इसके अंदर डेटा डिस्पैरिटीज है तो हमें उसे आइडेंटिफाई करना होगा एंड देन डेटा क्लीनिंग हम करेंगे। तो सबसे पहले हम इस फाइल को सेव एज करके इसे एक्सेल में कन्वर्ट कर लेंगे, देन हम उस फाइल के ऊपर ही अपना डेटा क्लीनिंग वर्क करेंगे। ये हमारा जो सेव एज किया हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वो वाला फाइल है। तो इस फाइल के अंदर हम डेटा क्लीनिंग वर्क करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ अपने टॉप रो के अंदर सारे जितने भी हेडिंग्स उसे बोल्ड कर लेते हैं। इसके बाद व्यू में जाके हम इसे फ्रीज कर देते हैं, अपनी टॉप रो को हम फ्रीज करेंगे, सो दैट कि हम अगर नीचे की तरफ नेविगेट करेंगे तो हमारी टॉप रो फ्रीज होकर रहे और हमें एलिमेंट्स पता रहे कि किस कॉलम के अंदर हम नेविगेट कर रहे हैं और किस कॉलम के अंदर कौन से वाला डेटा है। अब उसके बाद हम टाइटल पे आएंगे और टाइटल पे आने के बाद हम यहाँ रो सेकंड से लेकर लास्ट तक सिलेक्ट करेंगे और इसे हम सॉर्ट करेंगे। होम में आएंगे, सॉर्ट एंड फिल्टर पे आएंगे, यहाँ ए टू जेड इसे सॉर्ट करेंगे और एक्सपेंड डिस सिलेक्शन को यूज करेंगे, डेटा को सॉर्ट करेंगे। तो आप देखेंगे कि कुछ डिस्पैरिटीज डेटा में यहाँ आपको आइडेंटिफाई हो जाएगी। इनिशियली फर्स्ट टू रोज में रॉन्ग डेटा अवेलेबल है क्योंकि यहाँ लेंस आईडी नहीं है और यहाँ ये कोई टाइटल नहीं है, तो हमें इन फर्स्ट टू रोज को डिलीट करना होगा। जो भी डेटा आपको ऐसा लगता है कि ये रॉन्ग डेटा है तो उसे आपको डिलीट करना होगा। देन आप ये वाला ओके है, ये भी ओके है, यहाँ भी ठीक है, सब ये सब ठीक है। यहाँ आप आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ कुछ HTML के टैग्स यूज किए गए हैं, जैसे टैक्सिट, तो हम इसे रिमूव करेंगे। देन जो भी आपको डिस्पैरिटी आइडेंटिफाई होगी कि is not a part of our data, तो आपको उसे रिमूव करना होगा। जितनी भी चीजें आपको आइडेंटिफाई होगी वही आप रिमूव कर सकते हैं। आपको ज्यादा डिस्पैरिटीज आइडेंटिफाई होती है तो आप रिप्लेस के फंक्शनैलिटी को भी यूज कर सकते हैं और उन्हें रिप्लेस करके भी आप रिमूव कर सकते हैं। ये सभी HTML टैग्स है तो इन्हें आप रिमूव कर दीजिए। रिमूव करने के बाद आप अपने डेटा को सेव कर लीजिए। जैसे ही आप एक बार एक टास्क को फिनिश करते हैं तो अपने डेटा को सेव कर लीजिए। तो यहाँ तक हमने वर्क फिनिश कर लिया, अब इसे हम सेव कर लेते हैं। देन हम इसमें से डुप्लीकेट आर्टिकल्स को फाइंड आउट करेंगे कि कितने आर्टिकल्स डुप्लीकेट्स में अवेलेबल है। तो हम यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे और यहाँ से हाईलाइट सेल्स रूल पे आएंगे और लास्ट का ऑप्शन डुप्लीकेट्स वैल्यू को क्लिक करेंगे तो हमारी जितनी भी वैल्यूज या जितने भी हमारे आर्टिकल डुप्लीकेट्स होंगे और उन्हें आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इसके बाद हम यहाँ फिल्टर्स को एक्टिवेट कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करेंगे तो हमारे फिल्टर्स एक्टिवेट हो गए। उसके बाद हम यहाँ आएंगे, फिल्टर बाय कलर करेंगे और ये रेड वाला या पिंक कलर जो हमारे पास अवेलेबल है इसे सिलेक्ट कर लेंगे तो हमारे पास वे सारे आर्टिकल्स आ जाएंगे जो डुप्लीकेट्स में है। अब हमें इनमें करना क्या होगा कि हमें इनमें आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारे पास कंप्लीट डेटा किस आर्टिकल में है और किस में हमारा कंप्लीट डेटा नहीं है। जिसमें नहीं होगा तो उस डुप्लीकेट वैल्यू को हमें रिमूव करना होगा। सिर्फ फॉर एग्जांपल हमारा फर्स्ट वाले में ये कंप्लीट है और इसमें हमारी कंप्लीट, क्योंकि इसमें पब्लिकेशन का डेट हमें यहाँ मेंशन नहीं है तो हम इसे रिमूव कर देंगे। ऊपर वाले में पब्लिकेशन का डेट है। तो आप अपने डेटा को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे सारे डेटा पॉइंट्स कैप्चर हो पाए हैं नहीं हो पाए। तो दोनों वैल्यूज में से आप ये देखेंगे कि किस में सबसे ज्यादा वैल्यूज है और आप एक की वैल्यू दूसरे के अंदर मर्ज भी कर सकते हैं एंड देन उसके बाद आप उसे रिमूव कर सकते हैं। आपको सारी डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करना होगा वन बाय वन करके और उसके बाद आपको इस फाइल को सेव करना होगा। आप इन स्पेशल जैसे बायो बोर्ड, इन्हें आपको सर्च करके आइडेंटिफाई करना होगा कि ये क्या वैल्यूज है और ये डेटा कहाँ से एक्सट्रैक्ट हो गया है। अगर ये आपके लिए डेटा यूजेबल है तभी आप इसे अपनी शीट के ऊपर रखेंगे, अदरवाइज आप इसे रिमूव कर देंगे। तो इस तरह से आप डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करने के बाद ही इस डेटा को अपने एनालिसिस पर्पजेस के लिए यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।